एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस कैसे वॉश करती हूँ। सो काफ़ी टाइम से मेरे मेकअप ब्रशेस ऐसे ही पड़े हुए थे एंड मैं सेम मेकअप ब्रशेस बार बार अपने फेस पे यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे चीक एंड फोरहेड पे एक्ने हो गया था। सो फाइनली मैंने अपने मेकअप ब्रशेस वॉश कर लिए और साथ ही साथ मैंने शूट किया ये वीडियो ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि आपको मेकअप ब्रशेस कैसे वॉश करें, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट उसके पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं हॉट वाटर लेती हूँ एक मग में और उस पर मैं डालती हूँ नीम का फेस वॉश। यहाँ पे मेरे पास ये फेस वॉश पड़ा हुआ है जो कि मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं करती, बट मैं इसे यूज़ करती हूँ मेकअप ब्रशेस वॉश करने में। और ये नीम का फेस वॉश है तो अंदर जो भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होगा वो किल हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं डेटॉल डालती हूँ थोड़ा सा, और मैं अपने ब्यूटी स्पॉन्जेस और सारे जो मेकअप ब्रशेस है मैं उसमें डिप कर देती हूँ और मैं उसे ऐसे ही रखती हूँ अराउंड 15 to 20 मिनट्स तक, ताकि जो भी डर्ट वगैरह हो वो निकल जाए। सो सारे सूप को और ब्यूटी स्पॉन्जेस को हॉट वाटर में निकालने के बाद मैं उसे डिप करती हूँ कोल्ड वाटर में, ताकि हम उसे टच कर सके। और कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद मैं लेती हूँ सोप एंड ब्यूटी स्पॉन्ज को सोप पे रगड़ती हूँ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और सोप को रगड़ने पे क्या होता है, जो भी फाउंडेशन वगैरह आपके ब्यूटी स्पॉन्जेस पर रहेगा वो निकल जाएगा। और मैं रगड़ती हूँ एंड देन मैं अगेन डिप करती हूँ पानी में एंड मैं सारा का सारा पानी निकाल देती हूँ ब्यूटी स्पॉन्ज से। और मैं तब तक करूँगी जब तक कि मेरा फाउंडेशन सारा का सारा निकल नहीं जाता ब्यूटी स्पॉन्ज से। सेम चीज़ मैं अपने सारे ब्रशेस के साथ भी करती हूँ। मैं ब्रशेस को लेती हूँ और मैं सोप पे रगड़ती हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये चाय का छलनी, क्योंकि मेरे पास वो एग वाला जो होता है ब्रश को वॉश करने के लिए वो मेरे पास नहीं है। सो मैं ये वाला टेक्निक यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वर्क्स अमेजिंग। अगर आप लोगों के पास ब्रश वॉश करने के लिए वो एग टाइप का जो आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई भी ब्रश वॉश वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल बॉडी वॉश या फिर फेस वॉश यूज़ करके आप अपने ब्रशेस को वॉश कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ये चाय का छलनी ले रही हूँ और उसमें मैं अपने ब्रश को रगड़ूंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रश में जो भी कलर वगैरह लगा हुआ रहेगा वो सब निकल जाता है। सो मैं ब्रश को रगड़ती हूँ, अगेन मैं सोप पर रगड़ती हूँ एंड देन मैं अगेन छलनी पर रगड़ती हूँ, उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ अच्छे से। नाउ सारे के सारे ब्रशेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये क्लीन हो गए। नाउ मैं अगेन पानी लेती हूँ एंड उसमें डिप करती हूँ एंड मैं अगेन वॉश कर देती हूँ। ऐसा मैं दो बार करती हूँ ताकि सारा का सारा जो डर्ट वगैरह हो, सारा जो हमारा कलर हो वो सब निकल जाए ब्रशेस से। नाउ ब्रशेस वॉश हो गए हैं और अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये सारे ब्रशेस और स्पॉन्जेस को प्लेट में रख देती हूँ और मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। आप धूप में रख सकते हो या फिर आप ओवरनाइट इसे रख सकते हो, एक दिन में ये सूख जाता है। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे मेरे जो ब्रशेस है, ब्यूटी स्पॉन्ज है, वो क्लीन हो गए हैं। एंड यार दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का हैंडल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है और मैं YouTube पे रिप्लाई ना कर पाऊँ क्योंकि मुझे कभी कभी नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं आप लोगों के कमेंट के, सो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो, यहाँ पे मुझे फॉलो करो, Twitter पे मुझे फॉलो करो। एंड येस, आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय। और उस पानी में मैं फेस वॉश डालती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है, मेरे पास। देन प्लीज़ डू नॉट गिव दिस